सो ही गाइस वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है उदयपुर से। आज हम है उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर में हम कौन कौन सी प्लेसेस घूमने वाले हैं वो सब आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। बट उससे पहले हम आपको देते हैं रूम टू का होटल लिए, तो उस होटल का व्यू दिखाते हैं आपको। चेक करें आप रूम व्यू। सो ये यहाँ का मिरर और ये पीछे एक बेड दिया हुआ है और हमारे रूम के सामने एक खिड़की है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये अपन व्यू चेक करते हैं एक बार। मौसम ऐसा हो रहा है, बादल है, अच्छा है तो हम घूम तो सकते हैं, वरना आपको पता ही है धूप कितनी तेज है। ये जिसमें हमने रात भर देखा तारक मेहता और ये है वो बेड जहाँ पर हम सोए थे और ये रहा मैं। तो ये एक छोटा सा रूम टूर है, उधर ये लेट बात है तो वो तो अभी क्या ही दिखाई आपको। आप पीछे देख रहे हैं वो था अपना होटल, होटल केस्टले इन। सो इस वाले होटल में अपन रुके थे पूरी रात, वो खिड़की खुली है भाई, वाला अपना रूम है और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और भाई क्या मौसम मस्त हो गया, खतरनाक हवाएं चल रही है, बरसात का मौसम है। सो हम जा रहे हैं जगदीश टेम्पल, जगदीश टेम्पल से देखते हैं किधर निकलना है, पहले जगदीश टेम्पल को। अपने सामने है जगदीश टेम्पल, तो इस टेम्पल में जाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं भ्रमण की। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल एंड भाई क्या ही व्यू है इसका, इसमें फ़ोटो वोटो खींचना मना है, सो थोड़ा सा दिखाते हैं हमने बाहर से, बाकी ऊपर बहुत शानदार है पूरा, अंदर से देखने लायक है। तो दर्शन करते हैं और निकलते फिर। तो इसमें जो कलाकृति आपको दिख रही है वो सारे हाथ की कारीगरी, बहुत पुराना है मंदिर है, उसके बारे में कुछ हिस्ट्री है जो मैं आपको वॉइस ओवर में बताऊँगा, वो आप देखना। मंदिर उदयपुर में ही रॉयल पैलेस के पास ही बना हुआ है और भारतीय आर्य स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। श्री जगदीश मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह ने करवाया था, 1951 में इसका निर्माण हुआ था। उस समय उदयपुर जो है वो मेवाड़ की राजधानी था। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है और उदयपुर के बड़ों मंदिरों में से एक है। चाट खाते हैं और वहाँ पे मीरा आर्ट, मीरा आर्ट के सामने चाट। तैयार है सिटी प्लेस घूमने के लिए फाइनली, मैं और मेरे कैमरामैन तैयार हैं और चलते हैं अभी अंदर। साथ लाए हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी फुटेज मिलेगी हमें, कोशिश तो यही है। तो हमें एक अंकल मिले, इनकी फ़ोटो शूट कर रहे हैं अपन। अरे भाई गाइस फाइनली प्रवेश कर रहे हैं अपन अंदर की तरफ। सो गाइस ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसी को कहते हैं सिटी पैलेस। सो अभी हम चल रहे हैं सिटी पैलेस के अंदर की तरफ, चल के देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दरी खाना की पोल्स, तो दरी खाना की पोल में प्रवेश कर चुके अपन। Thank you.
पीछे देख रहे हैं इनमें सारे अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं। गन्स कलेक्शन उस टाइम की जो गन्स हुआ करती थी वो देखो, छोटी छोटी गन्स और ये बड़ी गन्स, ये वाली गन देखो। ये अलग अलग तरह की तलवार। और मेरे जो फेवरेट थे पप्पा रावल, अगर जूम करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट आठवें नंबर और दिख रहे पप्पा रावल भाई मेरे फेवरेट थे वो। उनके बाद महाराणा प्रताप ऑलवेज फेवरेट सबके। सो ये पूरी मेवाड़ की कहानी प्रदर्शित की गई है। हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप कक्ष में। सो इसमें महाराणा प्रताप की जितनी भी चीज़ें वो सारी देखने को मिलेगी हमें। सो ये महाराणा प्रताप का कोट, इसका क्या वजन देख सकते हो, इसका वजन महाराणा प्रताप ने जब वीरों की सेना बनाई थी उस टाइम की तस्वीरें। महाराणा प्रताप का माला इधर को ट्रेनिंग भी चल रही है एनसीसी की, तो वो भी देख सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी जितना भी हम हो सके, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, बहुत बड़ा भाई कम से कम दो घंटे हो चुके हैं हमें घूमते होंगे, बट अभी तो खत्म नहीं हो रहा है, लिटरली बोर हो चुके। जैसे आप देख सकते हो ये सब कांच कांच दिखाई दे रहे हैं इधर। भाई ये रहा लूडो, तो पुराने जमाने में लूडो कुछ ऐसा हुआ करता था। दिस इज लूडो गाइस, मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन आ चुका है म्यूजिक गैलरी। ये बाजा, ये तबला, तो पुराने जमाने में ऐसे पेटी बाजा हुआ करते थे, एंड ये आधुनिक बाजा, उसके बाद में बने तबले और ये सितार, जिसको कि कमायाचा बोला करता थे, कमायाचा। और ये है सितार, ये सितार आप देख रहे हैं, ये भी सितार है, और ये सारे सितार सेक्शन है पूरा। इसको बोलते थे ताउस, ताउस। और ये एक तरह से बाजो, बाजा बोल सकते हैं इसको, ऑर्गन की टाइप तरह, ये इस पे नंबर्स आते थे, इंडियन ऑर्गन बोल सकते हैं इसको। और ये है इसराज, इसका नाम है दिलरुबा, दिलरुबा देख सकते हो। तानपुरा, जो कि अपन कहते हैं मोस्टली चार तार का होता है, तीन तार का होता है तानपुरा, ये उस टाइम का रेडियो, ग्रामोफोन, ये रहा ग्रामोफोन, इसके बारे में बहुत पढ़ा अपन ने, ग्रामोफोन। ये कैसेट लगा के बजाने वाला। और ये भी है तानपुरा, छोटा तानपुरा, बड़ा तानपुरा। और ये भी है ग्रामोफोन, इसको बोलते हैं पकवाज, ये सितार। पैलेस, सिटी पैलेस हम घूम लिए और अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हमने, बट बहुत टाइम लगता है इसमें, तो बाकी मैं वॉइस ओवर करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि क्षमता नहीं थी इतनी बोलने की, बोला नहीं जाता। बाकी कैसा लगा, ये है उदयपुर महल। सो गाइस सिटी पैलेस तो हम घूम लिए, और यहाँ पर जो नज़ारा देख रहे हैं आप, यहाँ की शॉप। सो अब हम जा रहे हैं गणगौर घाट का व्यू देखने के लिए, गणगौर घाट जाएंगे और वहाँ से जो व्यू आता है शाम के टाइम पर।
hesitate to give me some. I'ma catch a murder. On my clock, in this cop, mask on my face. Hesitate to give me some. I'ma catch a murder. का सीन है कि जैसे वो सब देख के फिर बोटिंग करते हैं। सुबह ये व्यू है गणगौर घाट का और यहाँ पे काफी स्पिरिचुअल वाइब्स अपन को देखने को मिलती है। और ये अभी बोटिंग चालू नहीं है वरना वोटिंग करते होते हैं, लेकिन सारी वोटिंग बंद हो चुकी है। एंड वहाँ पर राम मंदिर है, तो राम जी के बारे में भजन चल रहे हैं वहाँ पे, वरना वोटिंग करते हुए जब इसके नीचे से निकलते हैं अपन भाई, वैसे क्या ही व्यू होता है शाम के टाइम पे। बट अभी पता नहीं कि वोटिंग बंद है, तो यही व्यू आपको देखने को मिलेगा। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कल दो तीन जगह और एक्सप्लोर करनी है, तो मिलते हैं आपको कल। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।